हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एलक्यू इंग्लिश। टुडेज स्टोरी नेम इज पानी का कटोरा। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, सो प्लीज वॉच द होल वीडियो टिल एंड। एक बार राजा कृष्णदेव राय कटक की यात्रा पर गए हुए थे। एक बार वंश राजा कृष्णदेव द किंग कृष्णदेव कटक की यात्रा पर गए हुए थे, मतलब कटक की यात्रा पर थे। कृष्णदेव राय वॉज ऑन द जर्नी। यात्रा की इंग्लिश होती है जर्नी ऑफ कटक। वहां वह नर्मदा नदी के पार गए। देयर, वहां के लिए हमने पहले लिख दी देयर, अब लिखेंगे ही। नर्मदा नदी के पार गए, तो गए इंग्लिश होगी वेंट। अक्रॉस, देयर ही वेंट अक्रॉस द रिवर नर्मदा। नदी पर जाने पर उन्होंने देखा कि एक ऋषि वहां पर ध्यान लगाए हुए थे। नदी पार जाने पर उन्होंने देखा, क्रॉसिंग द रिवर, नदी पार करके उन्होंने देखा, तो क्रॉसिंग नदी पार कर जाने पर लिखा है, लेकिन हम इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे, नदी पार करके उन्होंने देखा, तो क्रॉसिंग द रिवर उन्होंने देखा। ही सॉ, एक ऋषि वहां पर ध्यान लगाए हुए थे। A sage, ऋषि की इंग्लिश होगी सेज। A sage in meditation, A sage in meditation, वो ध्यानमग्न थे। राजा के देखते ही देखते वह हवा में ऊपर उठ गए। तो राजा के देखते ही देखते, as the king saw, जैसे कि राजा ने देखा, या फिर राजा के देखते देखते, दोनों की इंग्लिश सेम होगी, वह हवा में ऊपर उठ गए। ही रोज इन, ही रोज अप, ऊपर उठ गए, ही रोज अप इन द एयर। कितना आसान सा सेंटेंस हो गया दोस्तों। अगला पैराग्राफ है, प्लीज डू नॉट गो एनी वेयर, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी एंड यू गोना लर्न सो मच ग्रामर इन द होल स्टोरी। यह जरूर ही बहुत ज्ञानी ऋषि है। द किंग थॉट, राजा ने सोचा, यह जरूर ही बहुत ज्ञानी ऋषि है। तो ही मस्ट, बहुत मतलब उनको यकीन था कि यह ज्ञानी ऋषि। यहां पर हम कोई चीज यकीन से बोलते हैं तो वहां पर हम यूज करते हैं मस्ट का। ही मस्ट बी अ वाइज सेज। ही मस्ट बी अ वाइज सेज, बहुत ही ज्ञानी ऋषि हैं, राजा ने सोचा, इसीलिए इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। इसीलिए That is why, इसीलिए, या फिर so आप लिख सकते हैं, That is why, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। We must take his blessings, इनसे आशीर्वाद लेना चाहिए, मतलब इनका आशीर्वाद लेना चाहिए, his blessings। राजा ऋषि के पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। द किंग ऋषि के पास गए, मतलब वेंट टू द सेज एंड उनका आशीर्वाद मांगा। एंड आस्क्स फॉर हिज ब्लेसिंग्स, उनका आशीर्वाद मांगा।
दोस्तों अगला सेंटेंस है, अगला पैराग्राफ है, ऋषि बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज से युद्ध जीत चुके हो। इतना सा सेंटेंस है, पहले इसको ट्रांसलेट करेंगे हम। ऋषि बहुत ज्ञानी थे, ऋषि की इंग्लिश मॉन्क भी होती है, सेज भी होती है, सेज या फिर मॉन्क कुछ भी आप लिख सकते हैं। द सेज वॉज वेरी वाइज, बहुत ज्ञानी थे, उन्होंने राजा को बताया कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के, सब छोड़ते हैं, पहले हम लिखते हैं उन्होंने राजा को बताया, ही टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा को बताया, क्या बताया, कि तुम कुछ समय पहले ही अपने पड़ोस के राज से युद्ध जीत चुके हो। दैट, तुम की इंग्लिश हमने लिख दी यू, युद्ध जीत चुके हो, यू हैव वॉन, तुम युद्ध जीत चुके हो अपने पड़ोस के राज से, यू हैव वॉन द वॉर फ्रॉम योर नेबरिंग किंगडम। नेबरिंग किंगडम कुछ समय पहले ही, सम टाइम्स अगो, लेकिन उसमें बहुत से लोग मारे गए हैं जिसके कारण तुम दुखी हो। बट सो मैनी पीपल, सो मैनी पीपल, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, हैव बीन किल्ड इन दैट वार, उसमें मतलब उस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए हैं जिसके कारण तुम दुखी हो। विद दैट, जिसके कारण, विद दैट यू आर सैड, जिसके कारण तुम दुखी हो, विद दैट यू आर सैड, राजा ने कहा यह सत्य है। द किंग सेड इट इज करेक्ट, यह सत्य है, इसीलिए मुझको आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। इसीलिए सो मुझे आशीर्वाद दीजिए, गिव मी ब्लेसिंग्स, मुझे आशीर्वाद दीजिए जिससे कि मेरा राज्य तरक्की करे और खुश रहे। जिससे की इंग्लिश होती है ड्यू टू दैट, मेरा राज, माई किंगडम प्रोग्रेसेस, मेरा राज्य तरक्की करे, को तरक्की करे आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम रूल भूल जाएंगे, राज एक वचन है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के हम, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल सेंटेंस है तो उसमें हम एस एस लगाते हैं, तो प्रोग्रेस में एस लग गया, राज तरक्की करे, इसका मतलब ये नहीं कि कोई ये और टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही रूल यहाँ पर अप्लाई होंगे। माई किंगडम प्रोग्रेसेस एंड बी हैप्पी, किंगडम प्रोग्रेसेस एंड बी हैप्पी। फ्रेंड्स, द नेक्स्ट पैराग्राफ सेज, ऋषि ने सख्त से एक कटोरा प्रकट किया जिसको राजा को दिया। द मॉन्क, मॉन्क का मतलब भी ऋषि होता है। द मॉन्क रिवील्ड अ बाउल, विद
हिज पावर, शक्ति से, अपनी शक्ति से एक कटोरा प्रकट किया, उसको राजा को दिया, एंड गेव इट, उसको दिया, गेव इट टू द किंग। इसके बाद अपनी शक्ति से उस कटोरे को पानी से भर दिया। आफ्टर दैट अपनी शक्ति से उस कटोरे को पानी से भर दिया, तो उन्होंने भर दिया, ही फिल्ड। इसके बाद आफ्टर दैट उन्होंने भर दिया, ही फिल्ड दैट बाउल, उस कटोरे को, ही फिल्ड दैट बाउल, किससे भर दिया, पानी से, तो विद वाटर। ऋषि ने राजा से कहा कि तुम इस कटोरे का पानी लेकर अपने राज में जाओ और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना। तो ऋषि ने राजा से कहा, द मॉन्क टोल्ड द किंग, राजा से कहा कि तुम इस कटोरे को, कटोरे का पानी लेकर अपने राज में जाओ, दैट यू गो टू योर किंगडम, तुम अपने राज्य को जाओ, यू गो टू योर किंगडम, तुम अपने राज्य को जाओ, अब हमें लिखना है इस कटोरे का पानी लेकर, तो टेकिंग कटोरे का पानी लेकर, टेकिंग द वाटर ऑफ द बाउल, कटोरे का पानी, वाटर ऑफ द बाउल, टेकिंग द वाटर ऑफ द बाउल। और इस पानी को अपने खजाने में छिड़क देना, एंड स्प्रिंकल, छिड़क देना, स्प्रिंकल द वाटर अपने खजाने में, ऑन योर ट्रीजरी, फ्रेंड्स डू नॉट गो एनीवेयर, इट्स कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, जिससे तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा, जिससे, विद दैट, जिससे कि इंग्लिश विद दैट, तुम्हारा खजाना बढ़ने लगेगा, योर ट्रीजरी विल स्टार्ट, बढ़ने लगेगा, विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, और तुम्हारा राज्य हमेशा खुश रहेगा, एंड योर किंगडम, किंगडम की इंग्लिश, किंगडम का मतलब होता है राज, योर किंगडम विल ऑलवेज बी हैप्पी, हमेशा खुश रहेगा, विल ऑलवेज बी हैप्पी। ऋषि ने राजा से कहा कि लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद पानी भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए। बड़ा सा सेंटेंस है लेकिन अभी बहुत छोटा हो जाएगा। ऋषि ने राजा से कहा, द मॉन्क टोल्ड द किंग, लेकिन इस बात का ध्यान रखना बट रिमेंबर, बट रिमेंबर, इस बात का ध्यान रखना कि इस कटोरे को ले जाते हुए एक बूंद पानी भी जमीन में नहीं गिरना चाहिए, बट रिमेंबर नॉट इवन, एक बूंद पानी, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ
वाटर, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी भी नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? एक बूंद पानी, तो हमने इसीलिए उसको पहले लिख दिया है। बट रिमेम्बर, याद रखना, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, एक बूंद पानी भी जमीन पर गिरना नहीं चाहिए। शुड नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड इस कटोरे को ले जाते हुए, टेकिंग द बाउल, वाइल टेकिंग द बाउल। बट रिमेंबर, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर शुड फॉल। अब नॉट इवन अ लिख हमने, बट रिमेंबर, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर लिख दिया है, तो अब हम नॉट नहीं लगाएंगे, ठीक है? अब हम नॉट नहीं लगाएंगे। नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर शुड फॉल ऑन द ग्राउंड वाइल टेकिंग द बाउल। दोस्तों अगला सेंटेंस है, इसके बाद राजा कटोरी को लेकर जाने लगे। आफ्टर दैट, इसके बाद, आफ्टर दैट द किंग टुक दी बाउल, कटोरी को लिया और जाने लगे, एंड स्टार्टेड गोइंग। राजा ने सोचा, यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति को कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। तो राजा ने सोचा, द किंग थॉट, राजा ने क्या सोचा? यदि कटोरे को ले जाने के लिए वह सेनापति से कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। द कमांडर, इफ ही आस्क द कमांडर, सेनापति की इंग्लिश होती है कमांडर। इफ ही आस्क द कमांडर टू टेक द बाउल, कटोरे को ले जाने के लिए कमांडर से कहेंगे तो वह इसको ले जाने में सक्षम नहीं है। ही इज अनेबल टू टेक इट, ही इज अनेबल टू टेक इट, वह सक्षम नहीं है कटोरे को ले जाने के लिए। आगे क्या कहता है? राजा ने कटोरे को ले जाने के लिए तेनाली राम को कहा। द किंग आस्क्ड तेनाली राम, द किंग आस्क्ड तेनाली राम, तेनाली राम को राजा ने कहा कटोरा ले जाने के लिए, टू टेक द बाउल। राजा ने तेनाली राम को अच्छे से समझा दिया कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। द किंग अच्छे से समझा दिया, द किंग डिस्क्राइब, डिस्क्राइब का मतलब होता है किसी को समझा देना। द किंग डिस्क्राइब्ड तेनाली राम अच्छे से, तो वेल, कि पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। दैट, अब एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए, हमने पिछले पैराग्राफ में क्या इसकी इंग्लिश बताई है? नॉट इवन
ड्रॉप ऑफ वाटर, नॉट इवन अ ड्रॉप ऑफ वाटर फॉल, पानी की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। इसके बाद राजा अपने राज के लिए चले गए। आफ्टर दैट द किंग वेंट टू हिज किंगडम। फ्रेंड द नेक्स्ट सेंटेंस, द नेक्स्ट पैराग्राफ से तेनाली राम भी अपने रथ में राज्य के लिए जाने लगे। तेनाली राम भी, तो तेनाली राम आल्सो स्टार्टेड गोइंग, जाने लगे, स्टार्टेड गोइंग, कहाँ जाने लगे? राज्य के लिए, टूवर्ड्स राज्य के लिए, राज्य की ओर, टूवर्ड्स हिज राज्य के लिए जाने लगे। तो हिज नहीं, दी किंगडम या फिर दी स्टेट। तेनाली राम आल्सो स्टार्टेड गोइंग टूवर्ड्स द किंगडम अपने रथ में, इन हिज चैरियट। तेनाली राम का रथ सेनापति चला रहा था, द कमांडर वॉज ड्राइविंग, द कमांडर वॉज ड्राइविंग द चैरियट ऑफ तेनाली राम। द कमांडर वॉज ड्राइविंग द चैरियट ऑफ तेनाली राम, तेनाली राम का रथ सेनापति चला रहा था जो तेनाली राम को पसंद नहीं करता था। जो इंग्लिश होगी दैट, पसंद नहीं करता था, डिड नॉट लाइक तेनाली राम। वह चाहता था कि तेनाली उस कटोरे का पानी राज नहीं ले जा पाए, राज में राज तक नहीं ले जा पाए। वह चाहता था, ही वॉन्टेड, वह चाहता, वॉन्टेड ही वॉन्टेड कि दैट तेनाली उस कटोरे का पानी राज तक नहीं ले जा पाए, दैट तेनाली नहीं ले जा पाए। कुड कैन, जहां पर सकना आ जाए, सकता, तो वहां पर कैन का यूज होता है, और नहीं ले जा पाए, पास्ट में अगर वही चीज आती है तो फिर कुड का यूज करते हैं। तो तेनाली कुड नॉट टेक, ही वॉन्टेड दैट तेनाली कुड नॉट टेक उस कटोरे का पानी, दैट वाटर ऑफ द बाउल। तेनाली कुड नॉट टेक दैट वाटर ऑफ द बाउल, कहाँ? राज तक, टू द किंगडम। कितना आसान सा सेंटेंस हो गया दोस्तों। अगला सा सेंटेंस है, इसीलिए वह पत्थर वाले रास्ते से तेनाली का रथ ले जा रहा था। सो या फिर दैट इज वाई ही वॉज रथ ले जा रहा था, ड्राइविंग मतलब रथ चला रहा था ना, ही वॉज, सो ही वॉज ड्राइविंग द चैरियट थ्रू पत्थर वाले रास्ता, स्टोन रोड। सो ही वॉज ड्राइविंग द चैरियट थ्रू स्टोन रोड, पत्थर वाले रास्ते से लेकर के वो रथ जा रहा था, जिससे रथ बहुत उछल रहा था।
ड्यू टू दैट द चैरियट वॉज जंपिंग सो मच, रथ बहुत उछल रहा था, लेकिन तेनाली बिना किसी परवाह के रथ में सो गए। बट तेनाली स्लिप्ड, तेनाली सो गए, बट तेनाली स्लिप्ड इन द चैरियट बिना किसी परवाह के, केयरलेसली, बिना किसी परवाह, बेपरवाह वो चैरियट पर, रथ पर सो गए। जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोता देखकर बहुत गुस्सा हुए। तो जब किंगली सो की विन, जब रथ महल पहुंचा, विन द चैरियट रीच्ड द पैलेस, रीच्ड द पैलेस, तब जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोता हुआ देखकर बहुत गुस्सा हुए। सेंटेंस से मिक्स हो गया, आपको लग रहा होगा कि हम क्या कैसे लिखेंगे, तो कोई बात नहीं, अभी देखना कितना आसान हो जाएगा। When the chariot reached the palace, जब रथ महल पहुंचा तो राजा ने रथ में तेनाली को सोता हुआ देखकर गुस्सा हुए। तो कौन गुस्सा हुआ? राजा। सब्जेक्ट कौन हुआ? राजा। तो पहले लिख देंगे किंग, किंग, द किंग। अब उसके बाद क्या लिखा जाता है? हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब तो इसमें है नहीं, पास्ट इनफिनिटिव टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है? गुस्सा हुए। द किंग बिकेम, गुस्सा हुए, होना की होती है बी, और पास्ट इनफिनिटिव में तो बिकेम हो जाएगा। द किंग बिकेम सो एंग्री। बिकेम अगर आप नहीं लिखना चाहते हैं तो गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट लगा दी। द किंग गॉट सो एंग्री, बहुत गुस्सा हुए, हमने लिख दिया द किंग बिकेम सो एंग्री, राजा बहुत गुस्सा हुए। अब हमको लिखना है रथ में तेनाली को सोता देखकर, सीइंग, देखकर, हंसकर, बोलकर, जहां पर आ जाए तो वहां पर हम उस शब्द की इंग्लिश लिखते हैं और प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देते हैं। सीइंग देखकर है ना, तो सीइंग क्या देखकर? सीइंग तेनाली राम को सोता हुए, सीइंग तेनाली राम स्लीपिंग। कितना आसान सा सेंटेंस हो गया। द किंग बिकेम सो एंग्री सीइंग तेनाली राम स्लीपिंग रथ में इन द चैरियट। और तेनाली से कटोरे के बारे में पूछा, एंड आस्क्ड तेनाली के बारे में, अबाउट द बाउल। दोस्तों अगला पैराग्राफ है, इसके बाद तेनाली ने दिखाया कि उसने पानी के कटोरे को चमड़े की थैली में डालकर बांध दिया था। इसके बाद आफ्टर दैट तेनाली ने दिखाया, तेनाली शोड दैट ही, उसने क्या कर दिया था? उसने बांध दिया था, पहले तो हम यही लिखेंगे। तो ही हैड, पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया, ही हैड टाइड
उसने बांध दिया था किसको, पानी के कटोरे को, द बाउल ऑफ वाटर। किसमें बांध दिया था, चमड़े की थैली में, इन अ लेदर बैग, इन अ लेदर बैग, चमड़े की थैली में उसने पानी के कटोरे को बांध दिया था, जिससे रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी नहीं गिरा नहीं, जिससे विद दैट, ड्यू टू दैट, विद दैट, सो रथ के उछलने पर भी कटोरे का पानी गिरा नहीं, विद दैट। अब कटोरे का पानी गिरा नहीं, पहले हम ये लिखेंगे, द वाटर ऑफ द बाउल, वाटर ऑफ द बाउल गिरा नहीं, तो डिड नॉट स्पिल, गिरना की इंग्लिश होती है स्पिल, इवन व्हेन द चैरियट जंप्ड, रथ के उछलने पर भी पानी नहीं गिरा, इवन व्हेन द चैरियट जंप्ड, जब रथ उछला फिर भी पानी नहीं गिरा। राजा कृष्णदेव तेनाली की बुद्धिमानी देखकर बहुत खुश हुए। द किंग कृष्णदेव बहुत खुश हुए, बिकेम सो हैप्पी, द किंग कृष्णदेव बिकेम सो हैप्पी, बहुत खुश हुए तेनाली की बुद्धिमानी देखकर, तो सीइंग द विजडम, बुद्धिमानी की इंग्लिश होती है विजडम, सीइंग द विजडम ऑफ तेनाली राम। और तेनाली राम की सेनापति के सामने खूब प्रशंसा की, एंड प्रेज्ड विल, एंड प्रेज्ड तेनाली राम एंड प्रेज्ड तेनाली राम विल, तेनाली राम की बहुत प्रशंसा की सेनापति के सामने, बिफोर द कमांडर, बिफोर द कमांडर। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस स्टोरी प्लीज हिट द बेल आइकन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल। टेक केयर, बाय बाय।